हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सीरत और अनिका के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि राहुल और सीरत में काफ़ी बहस हो जाती है, जिसमें राहुल कहता है कि कहीं भी जाने से पहले लड़कियों को पूछ लेना चाहिए, जिस बात से सीरत काफ़ी अपसेट होती है और कहती है व्हाट डू यू मीन बाई पूछ लेना चाहिए, लड़कियों की अपनी कोई आज़ादी नहीं है क्या? हाँ, तो राहुल कहता है कि बाहर सेफ नहीं है, आपको पता है ना। तो सीरत कहती है सेफ़ क्यों नहीं है, ये आपको भी पता है, और लड़कियां अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हैं, इतनी तो सक्षम है वो अपने अंदर। तो ऐसे बोलते हैं और उनके पेरेंट्स अनिका के दोनों बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहे होते हैं। वो उस समय कुछ नहीं बोल रहे होते और अनिका की मॉम भी काफ़ी ध्यान से इस बात को सुन रही होती हैं। उसके बाद जो है अनिका बोलती है अच्छा बस कर जाओ यार, तुम लोग क्या ये बहस लेके बैठे हो, ख़त्म करो इस बहस को यहीं पे, पता नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। वो अपनी बात आगे रखने में है, वो तुम अपनी बात आगे रखने में हो, ख़त्म कर दो इस बात को यहीं पे। तो सीरत चुप हो जाती है और कहती है कि अच्छा कोई नहीं, तुम लोगों को जाना था ना। तो राहुल कहता है हाँ जाना था, लेकिन अनिका तुम दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो अनिका बोलती है कि हाँ बाबा। इससे पहले सीरत बोल पड़ती है कि क्या मतलब नहीं करेगी कुछ ऐसा, हाँ क्या कहना चाहते हो? तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है। तो सीरत चुप हो जाती है और कहती है कि मैं चल रही हूँ ना, क्या दिक्कत है, तुम रेडी हो जाओ। तो ये कह के वो राहुल को भेजती है, कहती है कि जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो, रेडी हो जाओ, लड़कियों से ज़्यादा टाइम तो तुम्हें लगता है रेडी होने में। तो राहुल हंसता है, कहता है अच्छा ठीक है, सॉरी सीरत मैंने बहस की, शायद तुम अपनी जगह अपने तरीके से ठीक हो और मैं अपनी जगह अपने तरीके से ठीक हूँ। तो सीरत भी फिर बोल देती है चलो कोई बात नहीं, कट दिस क्रैप। वो भी फिर ऐसे बोल के जो है शांत हो जाती है। तो राहुल कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाया हूँ, और साथ में सीरत भी बोल पड़ती है कि अरे तुम्हें जाना था ना तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आई हूँ। तो अनिका ऐसे दोनों के बीच में बिल्कुल फंस जाती है, वो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि किसका ड्रेस पहले ले। और अनिका की मॉम ये चीज़ बहुत ध्यान से देख रही होती हैं। तो वो जो है वहाँ से हटती हैं और अपनी भाभी को बुला के लाती हैं और उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि अनिका को मजबूर कर देना किसी तरह कि वो राहुल की ड्रेस ही पहने। तो उसकी मामी बोलती हैं ठीक है देखते हैं। तो जो वो ड्रेस लेके आते हैं दोनों, तो अनिका ऐसे कभी सीरत की तरफ देख रही होती है, कभी राहुल की तरफ देख रही होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किसकी ड्रेस पहले ले हाथ में। तो सीरत कहती है पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आई हूँ यार, कितना टाइम लगा है ढूंढने में, और तुम्हारी फेवरेट ड्रेस है पता है तुम्हें। तो राहुल भी कहता है कि जो है मैं भी काफ़ी प्रिटी ड्रेस लाया हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करेगी, एक बार लो तो सही। तो ऐसे दोनों को देख रही होती है, मन में सोच रही होती है यार खुदा ये कहाँ फंसा दिया मुझे, आज मैं कैसे इसको हैंडल करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। राहुल की ड्रेस लूंगी तो सीरत मेरा प्यार ये नाराज़ हो जाएंगी पक्की बात है, और अगर सीरत की ड्रेस लेती हूँ तो राहुल मेरा बचपन का फ्रेंड जो अभी अभी आया इतने सालों बाद उसे बुरा लगेगा, मैं क्या करूं। तभी उसकी मामी बोलती हैं कि अनिका ड्रेस लो, देख लो पहले कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी है, फिर वो ले लेना उस हिसाब से। तो अनिका बोलती है हाँ ये सही है। तो वो कहती है तुम दोनों अपने अपने ड्रेसेस मुझे खोल के दिखाओ। तो सीरत बोलती है ये पकड़ो और अपने आप खोलो, समझ में आया, इतना तो तुम कर सकती हो। तो राहुल कहता है डोंट वरी माय प्रिंसेस, मैं खोल देता हूँ ना। वो अनिका को ऐसे बोलता है माय प्रिंसेस कह के, जिसे सुन के सीरत के तो तन बदन में आग लग जाती है बिल्कुल, लेकिन बहुत कंट्रोल करती है अपने ऊपर। और ये चीज़ अनिका की मॉम नोट कर रही होती हैं कि राहुल के आने से सीरत में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो कुछ तो फील कर रही है जेलस टाइप।
वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को नोट कर रहे होती हैं। तो राहुल जो है ड्रेस अपनी ओपन करता है और अनिका को दिखाता है, तो वो काफ़ी हैवी और मतलब फुल लेंथ ही होती है, एकदम कवर करने वाले ड्रेस। तो अनिका उसे देखती है, कहती है इसका कलर तो प्यारा है, अच्छा है, बट ये कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। तो राहुल कहता है वो कम ऑन यार, क्या हैवी है, पार्टी में जा रही हो, पहनोगी तो अच्छा लगेगा ना। तो अनिका सीरत वाला ड्रेस उठाती है और उसे ओपन करती है, तो रेड कलर की बहुत प्रिटी सी क्यूट सी ड्रेस होती है। तो वो उस ड्रेस को देखती है और फिर सीरत की तरफ देखती है, कहती है ये वही वाली ड्रेस है ना। तो सीरत मुस्कुराती है, तो अनिका कहती है तुम्हें लिटरली अभी तक याद था। तो अनिका जब इस बात को बोलती है तो सीरत कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातें मैं भूल जाती हूँ। हाँ उस समय नहीं परचेज कर पाए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट ये मैंने उसी समय हटवा के रखवा दी थी क्योंकि तुम्हें बहुत पसंद थी। तो उसकी मॉम कहती है अनिका की कि क्या मतलब कॉन्सेंट्रेशन अनिका। तो कहती है मॉम एक बार मैं और सीरत कहीं मार्केट में सामान लेने गए थे और ये ड्रेस पे मेरी नज़र पड़ी थी और मुझे बहुत प्रिटी लगी थी, मतलब मेरा उसी टाइम मन था इसे परचेज करने का, बट सीरत ने उस समय मुझे परचेज नहीं करने दिया, बोलने लगी कि अभी रहने दो, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी। तो फिर हम लोग वहाँ से चले आए थे, बट देखो इन्होंने तो ये ड्रेस तब से सिलेक्ट करवा के रखी थी अलग से। तभी जो है वहाँ पे एक बंदा आता है, वो डोरबेल बजाता है, तो उसकी मॉम जाकर डोर ओपन करती हैं, तो कहती हैं हाँ जी बोलिए। तो कहता है ये सीरत जी एक ड्रेस लेके आई थी, ये एड्रेस यही है ना। तो कहते हैं हाँ ये है, कहते हैं ये उसके साथ ये सामान उनका छूट गया था तो मैं बस वही देने आया हूँ। तो जब वो सामान को लेते हैं और उसे बिना पूछे ओपन कर देती हैं, तो उसमें काफ़ी बिल्स होते हैं और बैंक की रिसिप्ट्स होती हैं। तो जब वो चीज़ देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो अंदर आते हैं और सीरत को उसे हैंड ओवर करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे लिए कुछ आया है, वहाँ तुम भूल आई थी जहाँ से इसे परचेज किया है। तो सीरत एकदम से उन चीज़ों को हाथ में ले लेती है और अपने पास रख लेती है। तो अनिका पूछती है क्या था ये दिखाना, तो सीरत कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं था, बस ऐसे ही, छोड़ो इस बात को, तुम ड्रेस देखो ना। तो अनिका उसको बहुत ऐसे शक वाली निगाह से देखती है, कहती क्या छुपा रही हो, दिखाओ तो सही। तो सीरत बोलते अरे बाबा कुछ नहीं छुपा रही, और राहुल और तुम्हें लेट हो रहा है ना, फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ। तो वो राहुल कहता है तुम ये ड्रेस पहन के तो नहीं जाओगी अनिका मेरे साथ। तो अनिका कहती है क्यों, ये ड्रेस इतनी प्रिटी है, ये मैंने कब से देखी हुई थी, आज मुझे मिली है, तो मैं इसे क्यों नहीं पहनूंगी। तो राहुल कहता है कि नो, ये इतनी एक्सपोजिंग ड्रेस है, इसे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो अनिका कहती है व्हाट डू यू मीन एक्सपोजिंग ड्रेस है, क्या एक्सपोज करेगी ये, और तुम लड़के हमेशा ऐसे क्यों सोचते हो। तो उसके पापा बोलते हैं राहुल को, राहुल क्या दिक्कत है, वो पहन भी लेगी तो क्या हो जाएगा, और तुम क्या जानते नहीं हो बचपन से कैसे कपड़े पहनती है, अब तुम्हें सडन इतना ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम हो रही है। राहुल कहता है नहीं अंकल, बचपन की बात अलग थी, लेकिन अब नहीं, अगर इसे मेरे साथ जाना है तो वो इसे मेरे ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो सीरत बोलती है राहुल क्या बच्चों वाली जिद है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये ड्रेस कितनी हैवी है, उसको कितनी ज़्यादा सफोकेशन होगी। हाँ और क्या एक्सपोज, अपनी निगाहें ठीक रखो ना, और वो लड़की है उसे कुछ भी पहनने का हक है, कुछ भी, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम बाहर से आए हो, लग नहीं रहा है तुम्हारी सोच को देख के। तो राहुल कहता ओ आप मुझे जज कर रही हैं। तो सीरत कहती है नो नॉट नॉट एट ऑल, मैं तुम्हें कोई जज वज नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हें जज करने का, समझ में आया। लेकिन जो है ना ये जो तुम कर रहे हो ना अनिका के साथ, ये क्या है। हाँ
अनिका ड्रेस पहनो और जाना है इसको तो इसी ड्रेस में लेके जाओ, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ठीक तो कह रहा है राहुल। उसकी मामी भी पीछे से बोल पड़ती है हाँ राहुल ठीक ही तो कह रहा है, अब इतनी रात में लोग पार्टी में जाएंगे और आधी रात को पार्टी से आएंगे तो नहीं अच्छा लगता ना इस तरह के ड्रेसेस पहनना, और राहुल अकेले रहेगा। तो सीरत कहती है राहुल अकेले रहेगा तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अनिका की सेफ्टी को सिक्योर कर सके। हाँ मतलब सारी सेफ्टी सिर्फ लड़कियों को अपने कपड़े, अपने उठने बैठने चलने के तरीके से ही सेफ करना है, उसके साथ जो जा रहा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अपनी गाड़ी से जा रहा है ना ये, फिर क्या दिक्कत है इसमें, उसको कुछ भी पहनने का हक है। तो उसकी मॉम कहती है कि तो इसे अनिका को डिसाइड करने दो कि अनिका को क्या करना है। तो सिर चुप हो जाती है और अनिका की तरफ देखती है, कहती है बताओ अनिका। अनिका ऐसे कंफ्यूज खड़ी होती है बिल्कुल, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसकी मामी बोलती है अनिका देखो राहुल तुम्हारा फ्रेंड है, सीरत तो यहीं रहती है, वो भी कुछ दिनों के लिए आया है फिर चला जाएगा। उसको साइड में ले जाके बोलती है वो कुछ दिनों के लिए आया फिर चला जाएगा और उसे बुरा लग जाएगा, अच्छा लगता है वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है, उसको यहाँ का रास्ता नहीं पता था फिर भी वो किसी तरीके से तुम्हारे लिए ड्रेस सेलेक्ट करके लाया, दोपहर में भी तुम उसे बिना बताए गायब हो गई थी। तो इन सब चीज़ों के लिए तो तुम्हें उसकी ड्रेस पहनते बनता है ना। तो अनिका ऐसे कुछ सोचती है और फिर आके राहुल का ड्रेस हाथ में ले लेती है और सीरत वाले ड्रेस फोल्ड करके ऐसे ही पैक करके रख देती है। सीरत को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और वहाँ से जो है अंदर रूम में चली जाती है। अनिका जब उसे जाते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, वो भी तैयार होती है और सीरत के मिलने जाती है। तो उसकी मम कहती है कहाँ जा रही हो तुम। हाँ तो अनिका बोलती है मैं एक बार उसको बोल के आ जाऊँ, मॉम प्लीज़ जाने दीजिए ना, मैं बाहर गेट से ही बोल के आ जाऊँगी अंदर नहीं जाऊँगी। तो उसकी मॉम कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, राहुल तुम्हारा बाहर गाड़ी में वेट कर रहा है, उसे लेट हो रहा है और तुम्हें भी, तो तुम जाओ उसको मैं बोल दूँगी कि तुम उसे बाय बोल के गई हो। तो वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती है आप बोल दोगे पक्का श्योर, मुझे नहीं लगता आप बोलोगे। कहती है इतनी भी बुरी मैं नहीं हूँ जितना तुम समझती हो, ठीक है मैं बोल दूंगी उसको तुम जाओ। तो वो फिर अनिका को इस तरह भेज देते हैं और अनिका वहाँ से बिना उसको बाय बोले बिना उसके ड्रेस पहने चली जाती है। तो सीरत अंदर थोड़ा सा नॉर्मल करती है अपने आप को और बोलती है ठीक है ना यार कोई बात नहीं, उसकी दी हुई ड्रेस पहन ली तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है फ्रेंड है उसका और लाया था इतने प्यार से, मैं तो आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट करती रहती हूँ ना, और पूरी ज़िंदगी उसे मेरी पसंद के तो कपड़े पहनने हैं, अगर आज उसने अपनी फ्रेंड के पसंद के पहन लिए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो ऐसा खुद को समझा रही होती है और अपने आप को नॉर्मल करती है और कहती है चलो उसे जाने से पहले एक बार विश तो कराऊँ, गुड बाय तो बोल के आऊँ। तो ऐसे कह के जो है वो बाहर आती है और अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी माँ आ जाती हैं, बीच में खड़ी हो जाती हैं, तो कहती है सासू माँ आप क्या काली बिल्लियों की तरह मेरा रास्ता काटती हो है। तो वो एकदम घूर के उसे देखती है, कहती है क्या बोला तुमने मुझे। तो सिर धोलती अरे नहीं 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 कुछ नहीं बोला मैंने, मैं वो तो मैं बस ऐसे ये मैं बोल रही थी कि क्या मतलब इस तरह से क्यों 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 मतलब अरे मैं कुछ नहीं बोल रही थी, आप मेरे को अनिका को बाय बोलना है ना वो चली जाएगी। तो उसकी मॉम कहती है चली नहीं जाएगी वो जा चुकी है। तो सीरत ऐसे शॉक्ड खड़ी होती है, कहती है वो चली गई। तो उसकी मॉम बोलती है हाँ वो चली गई। तो सीरत कहती है अच्छा कब गई वो मेरे पास भी नहीं आई, उसने कुछ बोला। तो उसकी मॉम कहती है नहीं उसने कुछ भी नहीं बोला, वो रेडी हुई और राहुल के साथ निकल गई सीधे। तो सिरत बोलते अच्छा ऐसे कैसे, ठीक है चली गई तो कोई बात नहीं इट्स ओके, गई तो गई अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो सिरत वापस अपने रूम में चली जाती है और
बैठ के सोचती रहती है कि अनिका ऐसे कैसे बिना बताए मुझे चली गई यार। खैर सोचती है लो उसे कॉल कर लो, फिर कहती है यार बिजी होगी वहाँ पे, छोड़ो जाने दो, एंजॉय करने दो उसे, वहाँ पे भी क्या डिस्टर्ब करना। खैर वो ऐसा कह के और लेट जाती है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती, इधर उधर करवटें बदलती रहती है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, वो अनिका के बारे में ही सोच रही होती है। उधर अनिका का भी हाल कुछ ऐसा ही होता है, वो भी जो है सीरत के बारे में ही सोच रही होती है, कहती है यार मैं बिना बताए सीरत से चली आई यार, वो उनको कितना बुरा फील हो रहा होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और वो ऐसे सोचती है तभी राहुल आता है उसके पास और कहता है कहाँ किस सोच में डूबी हुई हो यार, हम लोग पार्टी इंजॉय करने आए और तुम आराम से जो है इधर उधर देख रही हो, पता नहीं कौन सी सोच में डूबी हुई हो। हाँ तो अनिका बोलती है अरे यार कुछ नहीं छोड़ो जाने दो, तो राहुल कहता है मे आई हैव योर डांस प्लीज, तो ऐसे अनिका अपना हाथ आगे बढ़ाती है बट फिर पीछे ले जाती है, कहती है नहीं मैं डांस नहीं करूँगी, तो बोलता है क्यों डांस क्यों नहीं करोगी, क्या बात हो गई, कोई प्रॉब्लम है, तो कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डांस नहीं करना, मन नहीं कर रहा डांस करने का बिल्कुल भी। तो राहुल उसकी तरफ देखता है कहता है क्या सोच रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम किसी के बारे में सोच रही हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू, कोई कुछ बताओ। तो अनिका बोलती है नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंजॉय करो ना मैं यहाँ बैठी हूँ। तो कहता है अरे मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया हूँ और तुम मुझे अकेले एंजॉय करने को बोल रही हो। हाँ तो राहुल उसे बहुत फोर्स करता है कि उसके साथ डांस करे, लेकिन अनिका बिल्कुल नहीं मानती उसकी बात को और कहती है तुम जाओ ना एंजॉय करो। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ सब लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ अनिका क्या बात है तुम ऐसे अलग अलग क्यों बैठी हो, तो उसके मोस्टली फ्रेंड तो उसके बारे में जानते ही हैं, तो वो अनिका सबकी तरफ इशारा करती है कि राहुल को लेके जाओ ना यहाँ से, तो उसके फ्रेंड्स जो है राहुल को कहते हैं अच्छा तुम तो चलो, अनिका का मूड नहीं है उसे बैठने दो, मे बी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तुम तो चलो ना तुम इंजॉय करो हमारे साथ। तो राहुल कहता है लेकिन इन्हें इसे अकेला छोड़ के ऐसे नहीं ना, तो कहते हैं अरे यार वो बच्ची नहीं है चलो, तो ऐसे बोल देती है। तो उसकी एक फ्रेंड वहीं रुकी हुई होती है, तो कहती है क्या हुआ सीरत की याद आ रही है, तो कहती है हाँ यार मैं बिना बताए चली आई, उनको कितना बुरा लगा होगा। तो लड़की कहती है तो एक काम करो ना तुम सीरत को बुला लो फ़ोन करके, आखिर सीरत हमारी भी तो फ्रेंड है ना। तो कहती है यार दैट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन इस समय पता नहीं सो नहीं गई हूँ, फ़ोन करूँ क्या पता ना पिक करे। तो कहती है अरे ट्राई तो करके देखो क्या पता पिक कर ले, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो सो गई होंगी। हाँ तो अनिका हंसती है ऐसे, तो कहती है क्या हो गया, तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ बस ऐसे ही। तो वो कहती है अच्छा तो तुम ट्राई तो करो कॉल, तो कहती है नहीं नहीं रहने दो, तो काफ़ी ज़बरदस्ती करती है। तो अनिका फ़ोन उठाती है और उसे फ़ोन जैसे डायल करती है तभी उसके और फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और वो उसे खींच के वहाँ से ले जाते हैं। तो ये लोग ऐसे डांस फ्लोर पे थोड़ी देर डांस करते हैं, तो अनिका का बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता, उसे बार बार सीरत का ख्याल आ रहा होता है, और इधर सीरत की भी वही हालत होती है, वही बेचैनी होती है, उसे भी दोनों एक दूसरे के ख्यालों में ऐसे गुम होते हैं। देन उधर पार्टी ओवर होने लगती है, तो अनिका बोलती है अच्छा अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया यार, 2:30 बज गए हैं, मैंने सीरत को बोला था कि मैं 1 बजे तक आ जाऊंगी, वो परेशान हो रही होंगी। तो कहती है अरे सीरत सो गई होगी, तो कहती नहीं सीरत नहीं सो सकती हैं, वो जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगी वो हर किसी नहीं सोएंगे मुझे पता है। तो लड़की हंसती है कहती है अच्छा तो फिर राहुल कहाँ है, राहुल के साथ ही जाओगी ना, तो कहती हाँ उसी को ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अनिका ऐसे बोलती है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं चलो ढूंढते हैं देखते हैं कहाँ पे है।
तो लोग राहुल को काफ़ी देर तक ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो एक फार्म हाउस होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो वो ऐसे ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसे राहुल कहीं नहीं मिल रहा होता। और राहुल अपने दोस्तों के साथ मस्त ड्रिंक करके टल्ले हुआ एक कोने में पड़ा हुआ होता है। अब उसे होश नहीं होता कि वो किसी लड़की को लेके आया और उसकी सेफ्टी का क्या होगा। उसने इतनी ड्रिंक की हुई होती है कि उसे खुद का ही होश नहीं होता। तो अनिका उसे काफ़ी देर तक ढूंढती रहती है, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं होता, कुछ भी नहीं पता चलता उसका कहाँ है क्या है। इधर जो है अनिका की मॉम भी जग रही होती है, वो देखती हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है और अनिका अभी तक नहीं आई है। वो राहुल को बार बार फ़ोन करते हैं, लेकिन राहुल उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा होता। सीरत भी ऐसे ही उठ के हॉल में आ जाती है, इधर उधर देखती है, फिर देखती है कि उसकी मॉम भी जग रही है, हॉल में ही घूम रही हैं। तो कहती हैं कि सासू मॉम, तो उसकी मॉम एकदम घूर के देखती हैं, कहती क्या है, मेरा मूड वैसे ही बहुत ख़राब है, मेरे साथ ना इस समय मस्ती करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो सीरत जब उनके मूड की तरफ देखती है तो मन में कहती है यार इनका मूड वाकई ख़राब है। तो कहती है आंटी सॉरी, लेकिन अनिका आई क्या अभी? तो कहती नहीं अभी अनिका नहीं आई है। तो कहती है इतना लेट हो गया और अभी तक नहीं आई, राहुल का फ़ोन लगाया आपने? अरे उसे कब से फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो अनिका सीरत अपना फ़ोन निकालती है और अनिका को फ़ोन करने लगती है। तो उसकी माँ बोलती है तुम किसे फ़ोन कर रही हो? कह रही आप में तो अकल आएगी नहीं है ना सासू माँ, अनिका को भी फ़ोन कर लेना चाहिए था। तो अनिका को फ़ोन करते हैं, लेकिन अनिका का फ़ोन साइलेंट होता है, तो वो फ़ोन नहीं पिक कर पाती और राहुल को ढूंढने में बिजी होती है। तो सीरत को टेंशन होने लगती है कि इतनी रात हो गई और फ़ोन भी नहीं पिक कर रही हो। काफ़ी देर तक उसे फ़ोन करती रहती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही होती उसका। तो काफ़ी टेंशन में आ जाती है, तो अपनी चाबी, मतलब जो घर में गाड़ी होती है अंकल की, वो उसकी चाबी उठाती है। तो आंटी कहती है तुम कहाँ चली अब इतनी रात को, एक को लेके मैं वैसे ही टेंशन में हूँ, अब तुम भी निकल लो है ना। तो सीरत ऐसे उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, कहती है आपको मेरी भी टेंशन होगी, वाओ। तो आंटी कहती हैं हो तो लड़की ना, किसी की तो हो ही ना, टेंशन तो होगी ना मुझे। तो कहती है मेरे टेंशन मत लीजिए, मुझे जूडो कराटे आते हैं और मैं अपनी सेफ्टी कर सकती हूँ, और इवन अपनी नहीं मेरे साथ जो होगा ना मैं उसकी भी सेफ्टी कर सकती हूँ, तो आप मेरे बारे में टेंशन मत लीजिए। मुझे इस समय अनिका की टेंशन है, उसको क्या सिखाया आप लोगों ने बचपन में, उसको मार्शल आर्ट नहीं सिखाना चाहिए था, अगर आता तो इतनी टेंशन नहीं होती ना हमें। तो उसकी मम कहती हाँ तो अब तुम सिखा लेना, मैंने तो नहीं सिखाया ना, तुम सिखा लेना अब। तो सीरत कहती लड़ लो आप, अनिका और आपका ना एक ही काम है, जरा जरा सी बात पे सिर्फ मुझसे लड़ना होता है, और कोई काम नहीं आता आप लोगों को। फिलहाल आपकी ये लड़ाई हम बाद में कंटिन्यू करें, अभी मैं अनिका को ढूंढ के लाऊं, और आपको कुछ पता है वो कहाँ गई है? हाँ कहती क्यों, तुम्हें तो सब बता के जाती है ना। तो सीरत कहती है हाँ वैसे तो वो मुझे सब बता के जाती है और मुझे पता है वो कहाँ पे है। तो उसकी मॉम कहती है तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो फिर? तो कहती हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेके आती हूँ मैं अनिका को। तो उसकी मॉम कहती है प्लीज़ सेफली लाना। तो वो आंटी का हाथ पकड़ती है और कहती है आंटी वो जितनी आपकी बेटी है ना, और जितनी आपकी उसको फिक्र है, उससे कहीं ज़्यादा फिक्र मुझे है उसकी। और जिसके साथ आपने भेजा है ना, जिसको उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, वो तो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। एटलीस्ट उसको इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि घर में फ़ोन करके बता दे, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अनिका ने नहीं बताया तो उसको इतनी मिर्ची लगी थी, और अब क्या कर रहा है वो? तो आंटी बोलती है हाँ बात तो, फिर वो एकदम चुप हो जाती हैं, कहती हैं तो उसका फ़ोन साइलेंट वाइलेंट होगा, नहीं पिक कर पा रहा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आंटी की तरफ देखती है, कहती है सही जा रहे हो आंटी आप, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ऐसे कह के फिर घर से निकल जाती है। तभी अनिका अपना फ़ोन देखती है तो सीरत की कॉल्स होती हैं, वो फटाफट कॉल करती है सीरत को। सीरत एक रिंग में फ़ोन पिक कर लेती है, कहती है कहाँ हो यार तुम, पागल हो गई हो क्या, कब से मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? तो कहती है यार सॉरी मेरा फ़ोन ना साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला और मैं राहुल को ढूंढ रही थी। तो कह रही राहुल को ढूंढ रही थी का क्या मतलब है, कहाँ है राहुल? कहती है यार पता नहीं, वो पी के पड़ा हुआ है यहाँ पे, अब मैं घर कैसे आऊँ, चाबी भी नहीं मिल रही गाड़ी की कि मैं ड्राइव करके आ जाऊँ, चाबी भी पता नहीं इसने कहाँ खो दी है।
तो सीरत कहती है तुम वहीं रुको, मुझे एड्रेस यही है ना जो दिया था तुमने मुझे। तो कहती है हाँ, तो कहती है वहीं रुको मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने, और जाओ उसके साथ, उसकी दी हुई ड्रेसेस पहन के जाओ, है ना। सही है तुम्हारा, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है बिल्कुल। तो वो ऐसे गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। सीरत को गुस्सा तो आया हुआ होता है, तो अब उसे मौका मिल जाता है अनिका को सुनाने का, तो फ़ोन कट कर देती है। इधर अनिका कहती है वो तेरी की आज तो बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, और मौसम भी बिगड़ रहा है और ये भी बिगड़ी हुई है। मतलब मौसम भी इनके हिसाब से चलता है, जिनका मूड खराब है तो आज मौसम ने भी अपना मूड खराब कर रखा है, क्या बात है हा? तो ऐसे बोल रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, कहते हैं अनिका तुम्हें ड्रॉप करना है तो हम करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यार, और राहुल तो मुझे नहीं लगता इस समय होश में आएगा वो, तो कहो तो हम ड्रॉप कर दें, और मौसम भी ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है। तो कहती है कि हाँ आने वाली है, लेकिन सीरत आ रही है लेने, मैं उसके साथ चली जाऊँगी। तो कहते हैं ठीक है, जब तक वो आती है हम लोग यहीं रुकते हैं तुम्हारे साथ, यहाँ अकेले क्या करोगी तुम। तो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग जाओ मैं यहीं रुकती हूँ। तो कहते हैं कि नहीं हम लोग यहीं रुके हुए हैं, हम भी सीरत से मिल लेंगे इसी बहाने। तो लोग वहीं रुक जाते हैं, लोग काफ़ी देर तक गपशप करते रहते हैं, और थोड़ी देर में बारिश होने लगती है बहुत तेज, मतलब कैट एंड डॉग टाइप बारिश, मूसलाधार बारिश, तो जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो सीरत वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद पहुँच जाती है, और वो भी उसे तो पानी से इतना डर लगता है कि उसे तो वाटर फोबिया होता है, तो वो तो गाड़ी में से उतर ही नहीं रही होती डर के मारे। तो वो अनिका को कॉल करती है, कहती है तुम, मैं बाहर ही खड़ी हूँ फार्म हाउस के, तुम आ जाओ। तो कहती है तुम अंदर आ जाओ ना। तो कहती है यार नहीं बारिश हो रही है बहुत तेज, मैं तुम आ जाओ ना बाहर। तो अनिका कहती है अरे क्या हो गया, आ जाओ यार, मेरे फ्रेंड्स भी वेट कर रहे हैं। तो कह रही हाँ तो फ्रेंड्स को लेके आ जाओ ना बाहर, वो लोग भी तो घर ही जाएंगे ना, उन्हें लेके आ जाओ। राहुल कहाँ है, उसे घर लेके चलना है। तो कहती है कोई ज़रूरत नहीं, उसे यहीं पड़ा रहने दो, उसके दो तीन दोस्त और हैं वो पी के पड़े हुए हैं, यहीं पड़े रहेंगे, वो सुबह आ जाएगा अपने आप। तो सीरत कहती है अरे तुम्हारा फ्रेंड है ना। तो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है बोल दिया ना। तो सीरत चुप हो जाती है, कहती है अच्छा तुम तो आ जाओ। तो कहती है अरे यार तुम क्यों नहीं आ सकती, अंदर आ जाओ ना। फिर उसे अनिका को एकदम से याद आता है कि इसे तो वाटर फोबिया है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम गाड़ी में रहो मैं आती हूँ, ठीक है। तो सीरत बोलती है हाँ ठीक है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को लेके बाहर जाती है, सब लोग सीरत से मिलते हैं, काफ़ी देर बातचीत करते हैं, और फिर वहाँ से सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। अनिका भी आके गाड़ी में बैठ जाती है, वो काफ़ी भीगी हुई होती है। तो रास्ते में वो बोलती है कि सीरत मेरे को ना ड्रेस चेंज करनी है, तो कहीं वॉशरूम दिखे रास्ते में तो रोक देना एक बार। तो कहती है कि यहीं चेंज कर लो। तो अनिका ऐसे उसकी तरफ देखती है, कहती है क्या मतलब यहीं चेंज कर लो। तो सीरत कहती है नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, वैसे तुम कोई ड्रेस लेके आई हो। तो कहती है हाँ मैं एक ड्रेस ले आई थी। तो कहती है अच्छा ठीक है, मेरी ड्रेस तो तुम्हें पहननी नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, और तुम मुझे इवन बता के भी नहीं आई हो, बहुत अच्छा किया तुमने। तो अनिका कहती है ओ कोई नाराज़ है मुझसे। तो सीरत कहती है प्लीज़ ठीक है बकवास मत करो, और अपने हाथों को ना मेरे से दूर रखो, मुझे टच भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अनिका कहती है ओए होए तुम गुस्से, तुम्हारा गुस्सा भी इतना प्यारा है, मुझे तो पता ही नहीं था पहली बार गुस्सा कर रही हो ना। तो सीरत बोलती लग रहा है तुम मेरा गुस्सा भूल चुकी हो, मैं तुम पे कई बार गुस्सा कर चुकी हूँ। तो अनिका कहती है बस वो चीज़ तो याद भी मत दिलाना मुझे, ये बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो सीरत भी आगे मुंह कर लेती है, कहती ठीक है रोकती हूँ गाड़ी। थोड़ी दूर जाते हैं तो इन्हें एक वॉशरूम नज़र आता है, तो सीरत वहाँ गाड़ी रोक देती है, कहती है जाओ चेंज करके आओ। तो अनिका जाती है और चेंज करके आती है, जो सीरत उसकी तरफ देखती है तो वो देखती रह जाती है। एक्चुअली वो सीरत वाली दी हुई ड्रेस पहन के आ रही होती है, तो सीरत उसे देखती रह जाती है। अनिका आके गाड़ी में बैठती है, कहती है हैप्पी हाँ। तो कहती है कि तुम ये ड्रेस क्यों लेके आई थे। हाँ तो कह रही थी मैंने सोचा था जब मैं राहुल के साथ वापस आऊँगी तो
तो मैं रास्ते में से चेंज करके सीधे तुमसे मिलने आऊँगी रूम में। लेकिन यहाँ तो राहुल ने सब पंगा कर दिया। खैर जो भी किया उसने अच्छा ही किया, इसी बहाने तुम मुझे लेने आ गई यहाँ और सब परफेक्ट हो गया। और बारिश भी हो रही है यार, कितना रोमांटिक मौसम है ना। और तुम चलो ना देखते हैं। तो सीरत बोलती है पागल हो गई हो, मैं बाहर नहीं निकलूँगी और तुम भी गाड़ी में बैठो, बीमार हो जाओगी, कोई ज़रूरत नहीं है भीगने की। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। तो फटाफट अनिका कीस निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। सीरत कहती है क्या बदतमीजी है यार, वापस दो कीस, आंटी भी घर पे परेशान हो रही है, पता है लेके चलना है मुझे। तो कहती है अरे यार कुछ नहीं होता, आओ इधर आओ। तो गाड़ी में से उतर जाती है और सीरत की तरफ पहुँच जाती है, कहती है कि आओ बाहर आओ। तो सीरत कहती नहीं यार नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं बारिश में नहीं। तो कहती क्या वाटर फोबिया है ना तुम्हें, मुझे पता है। कुछ नहीं होता, इतना पानी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शावर के नीचे खड़ी होकर शावर लेती हो ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हाथ दो मुझे अपना। तो सीरत बोलती है कुछ नहीं, मैं नहीं आऊँगी, तुम भीग लो, तुम्हें भीगना ना तुम भीग लो, मैं नहीं आ रही। तो सीरत को वो काफ़ी ज़िद्द करती है और उसे कहती है प्लीज़ बेबी मेरे लिए प्लीज़, कुछ नहीं होगा, सीरियसली बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे शावर के नीचे खड़ी हुई हो, प्लीज़ एक बार मुझ पर ट्रस्ट। तो वो सीरत को काफ़ी कहती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखो सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ ना बाहर आ जाओ प्लीज़। तो सीरत बोलती है ऐसा है मेरा हाथ छोड़ो, वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे नहीं भीगना तुम्हारे साथ, अकेले भीगो तुम, ठीक है। और जाओ ना उस राहुल को बुलाओ ना, उसकी दी हुई ड्रेस पहनी थी है ना, बिना बताए मुझे चली आई थी, मतलब दोस्त आ गया तो प्यार की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है ना। तो जाओ जो करना है करो, मेरे पास मत आना बस तुम, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ इस बात को साफ साफ और सीधे शब्दों में, इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो। तो ऐसे कह के चुपचाप वो मुंह बना के बैठ जाती है। तो अनिका वहाँ एक सॉन्ग गाती है बहुत प्यारा सा, कहती है छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा। तो सीरत कहती है रूठे तो हजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो आज छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, हाँ समझे, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो ऐसे गाना गाते हैं और सीरत हंसने लगती है, मतलब दोनों साथ में मिलके गाते हैं। तो सीरत को हंसी आ जाती है। तो निका कहती है ओह हंस गई तो मतलब फंस गई, अब तो उतरो यार प्लीज़ यार, देखो कितना अच्छा मौसम है, प्लीज़ बाहर आ जाओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वह ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लाती है। सीरत बहुत डर रही होती है लेकिन वो उसको लेके आती है। तो सीरत बाहर उसको मतलब अनिका सीरत को बाहर लेके आती है बारिश में गाड़ी से, और ऐसे उसे बिल्कुल हक करके खड़ी हुई होती है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।